चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज लॉरेंट्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक फैंसी नाम है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है वो आपको हल्का फुल्का नाम से आइडिया लग गया होगा। वेरी लिटरल मीनिंग इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज क्यू है और लेट्स से उसके पास वेलोसिटी वी है। ये चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर पड़ा है। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर पड़ा है, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो बेसिकली समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स होगा। इट विल बी समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज विल बी चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो दैट इज ई वेक्टर, प्लस मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑफकोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफकोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बी इज ऑफकोर्स कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल पड़ा है या फिर मूव कर रहा है। दिस इज अवर लॉरेंट्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिंपल, इसमें कोई इतना भारी काम नहीं, इतनी सी इसके अंदर बात है। अब जैसे इसमें कुछ सवाल बन सकते हैं, अच्छे सवाल बन सकते हैं, और किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना, थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा केस लूँ, सुनिएगा कि आपके पास ये कोई क्यू चार्ज है और इसके पास वेलोसिटी है सामने की तरफ वी और कोई ना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सामने की तरफ ही लेट से ई और सामने की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है बी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि इस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा दैट विल बी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ऑफ कोर्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। रही बात मैग्नेटिक फोर्स की, दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी नो दैट कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वी क्रॉस बी की वैल्यू तो जीरो आएगी, इसलिए किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा तो हम कह सकते हैं कि अगर इस चार्ज पार्टिकल का अगर मास m है तो इसके पास सामने की तरफ एक्सलरेशन आएगा क्यू ई अपॉन एम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सलरेशन कांस्टेंट है और अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इट इज बेसिकली योर यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन, लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। किसी भी टाइम पर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, किसी भी टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, सारे के सारे काम हम बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, यू कुड से कि सर किसी भी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कोई मुझसे पूछ ले कि सर किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। हम बड़े आराम से सारे के सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई क्यू चार्ज हुआ, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अगर सामने की तरफ हुई और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, दोनों केस में से एक ही बात है। मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया ऐसे सामने की तरफ, पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैंने इस तरह से पीछे की तरफ ले ली। अब इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, एज यू कैन सी दैट कि दैट एंगल इज 180 डिग्री।
तो ऑफ कोर्स अगेन आपका जो वी क्रॉस बी आएगा वो तो जीरो आएगा, और अगर वी क्रॉस बी जीरो आएगा तो इस केस में फिर से आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, वो भी आएगा पीछे की तरफ और उसकी वैल्यू होगी क्यू ई। अगर इसका मास एम है तो ऑफ कोर्स पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई अपॉन एम। ऐसे केस में वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे, लगातार वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी जाएगी जीरो। फिर भी अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, अगेन द मोशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड बोलना चाहो बोल सकते हो, एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसमें अगेन पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही है, बट इस बार विथ टर्निंग बैक। इस केस में टर्न बैक का तो सवाल ही नहीं उठाता क्योंकि वेलोसिटी भी आगे थी, एक्सेलरेशन भी आगे था। इस केस में जरूर बड़ा पार्टिकल टर्न बैक हुआ, तो आप कह सकते हो कि दिस मोशन इज अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है बट विथ टर्निंग बैक। इस बार जो पार्टिकल है इस बार टर्न किया। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया होगा कि इस बार स्पीड चेंज हो रही है, जैसे इस केस में लगातार स्पीड बढ़ रही थी, इस केस में यहाँ से लेकर जब तक पार्टिकल रुक नहीं जाता किसी इंस्टेंट के लिए तब तक लगातार स्पीड घट रही है। सर आपने तो कहा था कि मैग्नेटिक फोर्सेस कभी स्पीड चेंज नहीं करते, कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करते, सर आपने तो कहा था ऐसा। बिल्कुल कहा था, मैं उस बात पर अब भी अडिग हूँ, मैं उस बात पर अभी भी स्टिक हूँ। मैग्नेटिक फोर्सेज ने इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्सेज ने इस स्पीड को चेंज नहीं किया है, स्पीड दोनों ही केस के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्सेज ने ही चेंज किया है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्सेज तो स्पीड बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं, वो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो वेलोसिटी की तरफ लग रहा है या उसके अपोजिट। ठीक, तो वेलोसिटी का जो चेंज है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बार कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदारी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ही चेंज कर सकती है, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। ठीक, चलिए बच्चों एक छोटा सा केस और लेते हैं, छोटा सा केस और लेते हैं। मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, इसके पास चार्ज q है और सामने की तरफ वेलोसिटी v है, सामने की तरफ वेलोसिटी v है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में नीचे की तरफ, लेट से e, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है ऐसे अंदर की तरफ, लेट से b। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। जरा सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ कि ये क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन के लोग कैसे मूव कर सकता है। ये सिचुएशन में गिवन है कि ये सामने की तरफ स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहा है और ये क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो देखिएगा इस q चार्ज के पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है q इंटू ई, बड़ा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है q इंटू ई और वेलोसिटी है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा v क्रॉस b की तरफ, v ऐसे है b ऐसे है, v की तरफ हाथ ले गए, बी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ और मेरे पास ऊपर की तरफ एक फोर्स लग गया एंड उसकी वैल्यू जानता हूं क्यों, वी बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। अब जरा हम सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो हम चाहते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल सामने की तरफ मूव करता रहे,
अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा होता और नीचे वाला फोर्स छोटा होता तो ये पार्टिकल ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ डेविएट होता। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा होता और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होता और मैग्नेटिक फोर्स अगर छोटा होता तो यही चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ डेविएट करता। लेकिन हमें सिचुएशन में दिया गया है कि पार्टिकल तो सामने की तरफ ही मूव कर रहा है, और अगर सामने की तरफ मूव कर रहा है तो पक्की बात है कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इट मींस दैट कि दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, और ऐसे केस में आपका क्यू वी बी मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू इन टू ई। और हमारे पास वी की वैल्यू आ गई है ई बाई वी। इसका मतलब इस तरह से अगर पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना डेविएट हुए अगर सामने की तरफ जा रहा है तो समझ जाना कि वी की जो वैल्यू है वो इस तरह से ई बाई बी के बराबर है। ठीक है, इस तरह से ई बाई बी के बराबर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, छोटा सा ही सवाल है, कोई बहुत भारी सवाल ऐसा है नहीं। सुनिए, सवाल इस तरह से, ये एक रीजन है, लेट से दिस इज वाई एक्सिस, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर करने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास मास एम है, चार्ज क्यू है, और उसके पास शुरुआत में वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेट से वी, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग है वेलोसिटी वी। एक्स एक्सिस के अलोंग ही कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इतना पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे ये नहीं पता। और इस रीजन के अंदर इस तरह से बाहर की तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों की दोनों यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये जहां से एंटर कर रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, a, और यहां से चलते चलते ये चार्ज पार्टिकल यूं आता है, यूं आता है, यूं आता है, यूं आता है, और यहां से निकलता है। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से निकल रहा था तब इसके पास ऑफ कोर्स मास m है, चार्ज q है, तब इसकी स्पीड 2v हो गई है, और जिस पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 2a, 0, ये मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, इस तरह से। सो दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आप देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से जेड एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी बोल दिया। ई की वैल्यू पता नहीं है, हमें पता करनी है। ठीक, बाकी एम मास, क्यू चार्ज है ना, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस 2a, एंटर करते वक्त स्पीड v है, एग्जिट करते वक्त स्पीड 2v है, ये सब में गिवन है। सवाल है आपसे, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दी हुई है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सोचते हैं, जरा दिमाग लगाओ कि हमें शुरुआत में स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, ये डिस्टेंस ए पता है, ये डिस्टेंस 2a पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो पक्की बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है। जब भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता होती है उस केस में हम बड़े आराम से वेट लगा सकते हैं। और इस चार्ज पार्टिकल पर, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आए, उस पर कुल मिलाकर दो फोर्स हैं। कौन से फोर्सेज हैं? हम जानते हैं कि इस पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक उस पर मैग्नेटिक फोर्स है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम पर ये चार्ज पार्टिकल चलते 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 यहाँ आ गया, ये चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ आ गया तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सामने की तरफ है तो इस पर सामने की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगेगा, दैट विल बी क्यू इन टू ई। दिस इज ऑफकोर्स योर इलेक्ट्रिक फोर्स।
सर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा। और इस टाइम पर अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसे, तो फोर्स लगेगा वी क्रॉस बी की तरफ। ये तो वेलोसिटी तो है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो वी क्रॉस बी में करना आता है, वी की तरफ हाथ ले जाओ, ले गए ऐसे बेटा, वी है ऐसे, वी है ऐसे, बी है ऐसे, वी की तरफ हाथ ले गए ऐसे, बी आपकी तरफ है, वी क्रॉस बी किया, फोर्स आएगा ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा ऐसे, वी क्रॉस बी की तरफ, दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। चिंता वाली कोई बात नहीं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा? सबसे आसान ही है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कॉन्स्टेंट है, क्यू इन टू ई मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक पार्टिकल आया है, भले ही यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट फोर्सेस का वर्डन लिखना कितना आसान है। क्यू ई फोर्स लगा है सामने की तरफ, तो सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ वाले डिस्प्लेसमेंट से ही मल्टीप्लाई करो, इस वाई एक्सेस वाले डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई मत करो। तो फोर्स लगा है एक्स एक्सिस के अलोंग, क्यू इन टू ई मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्सिस के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो दैट कि यहां से यहां तक भले पार्टिकल आ गया हो, इस रास्ते से आए हो, डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग है ए और एक्स के अलोंग है 2a, फोर्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। मैंने अगर ये डायग्राम ना भी बनाया होता तब भी मेरे बच्चे बोलते हैं सर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो जीरो आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक दूसरे के कितने एंगल पे होंगे? 90 पे होंगे। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स अगर एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री आएगा, तो ऑफकोर्स उसका वर्क डन तो जीरो आएगा। ये डायग्राम अगर मैंने ना बनाया होता तब भी हम शायद यही सोच रहे होते, एंड इट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम टू वी का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इट गिव्स मी टू टाइम्स क्यू ई ए दैट इज इक्वल्स टू बड़ा 2mv² माइनस mv² बाई 2 दैट इज 3mv² बाई 2। और हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3mv² अपॉन 4 टाइम्स क्यू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ऑफ कोर्स जो भी हमारा इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने घटाने की जिम्मेदारी थी, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा प्रोवाइडेड फोर्स की जिम्मेदारी है। अदरवाइज स्पीड चेंज करने की जिम्मेदारी हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स पर तो रख ही नहीं सकते, उसने तो कोई वर्डन किया ही नहीं है। जो भी स्पीड चेंज हुई है, जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, उसके पीछे जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आई रियली होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल इसी बात पे एक और पूछ रहा हूं, इसी बात पे एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल और है, सुनिएगा। आपके पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज q है, मास m है, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से बड़ा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है e, और इस चार्ज पार्टिकल साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, और z के अलोंग भी है। लेट्स से इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इस रीजन के अंदर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छी बात है, ये चार्ज पार्टिकल शुरुआत में जो था वो रेस्ट पे था, सिर्फ और सिर्फ लॉरेंट्स फोर्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस है, और कोई फोर्स नहीं है।
मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता नहीं बेटा, ऐसे अजीब सा एक्सप्रेशन है, आई डोंट नो बात कैसा होगा, देन मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद में चलते चलते पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँच गया, लेट्स से पार्टिकल इज एट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये एम मास का पार्टिकल है, ये कभी ना कभी एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर पहुँच गया, हो सकता है कि इस प्लेन को छोड़ भी दे क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स वाई जेड हल्के लॉन्ग, ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज व्हेन इट अराइव्स एट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जब चार्ज पार्टिकल एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर होगा तो उस टाइम पर इस चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड क्या होगी, मैं तो सिर्फ यही पूछा आपसे, एंड वेरी इजी, जैसे मुझे पता है कि इनिशियल स्पीड जीरो है और फाइनल स्पीड पूछी गई है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को रिलेट करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता ही यही है कि हम किसी तरीके से वेट लगा दें और हम ये कह दें कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन लिखने में कोई जोर नहीं आएगा क्योंकि सर हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वी क्रॉस बी करूंगा वगैरह वगैरह, नहीं नहीं बिल्कुल जोर नहीं आएगा, हम जानते हैं कि कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन आना है वो तो जीरो आएगा क्योंकि हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एंगल 90 रहना है, चाहे आप निकाल के देख लो आखिर में तो 90 डिग्री आएगा, तो उसका वर्क डन तो जीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कभी भी लिखना कितना आसान काम है, पूरे रास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मुझसे कोई पूछे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप है तो उसके कारण फोर्स होगा क्यू ई जे कैप। मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या है, तो आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन अगर निकालना है तो फोर्स तो कॉन्स्टेंट है, तो दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मेरे पास है क्यू ई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन है 0,0,0 और फाइनल पोजीशन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जैसे मैंने ये डॉट प्रोडक्ट किया आप जानते हो जे कैप डॉट आई कैप इज जीरो, जे कैप डॉट के कैप इज जीरो, सो इट कम्स आउट विद क्यू ई वाई, आना ही था वही कहानी बेटा, फोर्स अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग है तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, y एक्सिस वाला ही डिस्प्लेसमेंट आपके काम आएगा, तो y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स मल्टीप्लाई बाय y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द ओनली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई वाई, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो एंड इट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, सो इजी, और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स क्यू ई वाई अपॉन एम, सो स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स क्यू ई वाई अपॉन एम, ये हमारी स्पीड है, तो किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर होगा तो उसकी स्पीड हम बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, तो आपके दिमाग में बात सेट होनी चाहिए कि ना जब भी इस तरह के सवालों में स्पीड वगैरह का रिलेशन अगर पूछें तो वेट लगा दिया करो और मैग्नेटिक फोर्स का वर्डन तो जीरो आएगा और सिर्फ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वर्डन से हम बड़े आराम से काम चला लेंगे। आई होप दैट्स ओके, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का काम आता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करने का इसका प्राइम पर्पस है इस हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट का। क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या उसकी थ्योरी है, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का वायर है जो इस तरह का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रखता है और इस तरह से इस तरह का वायर है, पूरा का पूरा मेटलिक है ऑफ कोर्स। इसकी जो लेंथ है बच्चों वो एक बार के लिए आप एल मान लीजिए, इसकी जो हाइट है वो आपको एच गिवन है और इसकी जो विड्थ है ऐसे वो डब्ल्यू है, वो डब्ल्यू है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया
एक बैटरी लगाई ऐसे, और इस बैटरी के कारण, अगर मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज अगर V है, तो उसके कारण कुछ ना कुछ करंट आया, लेट से करंट इज I, अभी तक ठीक है। करंट अगर इस पूरे के ऊपर वायर में से अगर यूं जा रहा है, तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से आते हैं, ये आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखा रखा है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दौड़े 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 इधर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इस पूरे के पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, यूं, ये जो विड्थ ऐसी थी ना, इसके पैरेलल ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस तरह से। मैं इसमें क्रॉस बी कह रहा हूं, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लगाना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास वायर जो है वो ऐसे पड़ा है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, हाइट एच है, विड्थ डब्ल्यू है, और आपने ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, वेरी इजी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाना, एक मैग्नेट ले लो जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर हो, एक दूसरी मैग्नेट ले लो जिसका साउथ पोल यहाँ पर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइक फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी डब्ल्यू के पैरेलल, डब्ल्यू मतलब ये वाले विड्थ इसके पैरेलल। अब होगा क्या कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, तो वहां से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर वेलोसिटी है तो फोर्स तो आएगा ही आएगा। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो V क्रॉस B आएगा नीचे की तरफ, तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V क्रॉस B की तरफ नहीं, V क्रॉस B के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी अगर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने ऐसे लगा रखी है, तो V क्रॉस B आएगा नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और उस फोर्स के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़े ड्रैग होंगे ऊपर की तरफ। इस कारण से ऊपर वाली सरफेस पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स इधर से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ड्रैग हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई है ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो लगातार बीच रास्ते में जा रहे हैं, उनको अगर देखें तो उन पर कौन से फोर्स हैं, जरा गौर करना। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऐसे VD, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे B, तो VD क्रॉस B नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम बच्चों को पता है, दैट इज क्यू इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑफ कोर्स 90। अब हुआ क्या कि इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर वाले फेस पर थोड़े ज्यादा इकट्ठे होंगे, इस कारण से यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस चार्ज के इंड्यूस होने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा नीचे की तरफ, एंड दैट इज ई इंटू ई। ये जो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण है, ये जो प्लस और माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है उनके कारण है। अब इस कहानी को फिर से बोलते हैं, बिल्कुल शुरुआत के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं थे, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं था, सिर्फ ये फोर्स था। इस फोर्स के कारण ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले फेस पर इकट्ठे होंगे और नीचे वाला जो फेस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज जाएगा, उसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसके कारण जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब भी जा रहे हैं इस पूरे के पूरे लैटिस के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स पर दो फोर्स आएंगे। कौन से फोर्स आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शुरुआत में ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था,
अगर ये, क्योंकि चार्ज बट अभी तक बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए, और अगर चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए, इट मीन्स दैट कि चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है इसका मतलब ये वाला फोर्स अब भी ज़्यादा है। जब तक ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर वाले फेस पर लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नीचे वाले फेस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और ऐसे जैसे जैसे चार्जेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे अगर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती गई तो एक टाइम ऐसी स्टेडी स्टेट आएगी जब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो जाएगा बंद, और अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करेंगे, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो और जो मैग्नेटिक फोर्स था वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं। अब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यूं सामने की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेज और मैग्नेटिक फोर्सेज ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, और एक इस तरह से आपके पास क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो हम इसको बोल सकते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हम समझ गए कि अब जितना ऊपर वाली सरफेस पर और नीचे वाली सरफेस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितना आना था उतना आ चुका है, और अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ ही मूव करेंगे, अब और चार्जेस जो है वो सरफेसेस पर इकट्ठे नहीं होंगे। और अगर सर ऐसा है तो ऊपर का फॉर फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स है मैग्नेटिक दैट इज ई वी डी इंटू बी, दैट शुड बी इक्वल टू ई इंटू ई, और यहाँ से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई मेरे पास E upon B। फेयर इनफ। अब अगली बात हो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें इस ऊपर वाले फेस को और इस नीचे वाले फेस को हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर से जोड़ा, तो ऑफ कोर्स अगर आप इस तरह से ऊपर वाले फेस को और नीचे वाले फेस को अगर वोल्ट मीटर से अगर जोड़ोगे तो ये वोल्ट मीटर कोई ना कोई रीडिंग दिखाएगा, और ये कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा उसे हम हॉल वोल्टेज कहेंगे। बड़ा क्या नाम देंगे इसको हम, हॉल वोल्टेज। और इसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम हॉल वोल्टेज के लिए कह सकते हैं कि हॉल वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बड़ा यहां से तक की डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स एच। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है दैट इज बी इंटू वी डी इंटू एच, दिस इज योर हॉल वोल्टेज, दिस इज योर हॉल वोल्टेज। आई होप इट्स ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, तो एक्सपेरिमेंटली लोगों ने क्या किया कि होल वोल्टेज तो मेजर कर लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स बड़ा हमें पता ही है, हम ही ने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो हमें पता है कितनी है, एच पता थी तो इससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते थे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते थे। इसी को लिखने की और भी स्टाइल्स हैं, अगर आप जानते हो इस बात को, तो ये जो करंट आ रहा है ऐसे, इस करंट को हम लिख सकते हैं एन ए ई वी डी, हम लोगों ने करंट लिटरेचर इस बात को पढ़ रखा है, डिराइव भी कर रखा है, करंट इज एन ए ई वी डी, एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें अक्सर सवाल में दिया रहता है, इंटू ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एच इंटू डब्ल्यू, इंटू ई इंटू वी डी। तो आप चाहो तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आई अपॉन एन एच डब्ल्यू ई भी लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं बी एच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज आई अपॉन एन एच डब्ल्यू, आपका एच से एच कैंसिल हो गया, दैट इज बी इंटू आई अपॉन एन डब्ल्यू ई। इससे आप ऑफकोर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, अगर आपको होल वोल्टेज अगर आपने एक्सपेरिमेंटल ढंग से निकाला है तो। तो इस सवाल में तरह तरह के चेंजेस करके आप लोगों से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछ सकते हैं, और भी कोई बात तो आपसे बड़े आराम से पूछी जा सकती है। बट ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हमारे लॉरेंट्स फोर्स का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन था, तो मुझे लगा मैं वो बता देता हूँ, आप लोगों को बड़ा समझ तो आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ एक केस और लेते हैं। इस बार केस ऐसा है कि ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है, मास m है, ये आपका y एक्सिस है, इस तरफ आपके पास x एक्सिस है, इस तरफ आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x ये y बाहर की तरफ आते हो आपके पास z एक्सिस है, बाहर की तरफ आपके पास z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी है बी सामने की तरफ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो दोनों ही यूनिफॉर्म है, दोनों ही एक जैसे सही है, पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने ना एक वेलोसिटी दे दी। अच्छा, अगर मैंने इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया फिर तो ये सवाल बहुत ही आसान हो गया, फिर तो इस सवाल में कुछ खास बात है ही नहीं। अगर आपने इस चार्ज पार्टिकल को अगर रेस्ट से अगर रिलीज कर दिया तो जैसे आप छोड़ोगे तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सामने की तरफ फोर्स आएगा q इंटू ई, तो सामने की तरफ फोर्स आएगा q इंटू ई, तो सामने की तरफ एक्सलरेशन आएगा QE अपॉन m, उसके कारण इस चार्ज पार्टिकल के पास सामने की तरफ वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी अगर सामने की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सामने की तरफ होगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो जीरो हो गया, और अगर उन दोनों के बीच अगर एंगल जीरो हो गया तो फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा, तो थीटा को जीरो रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो आपका जीरो आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सामने की तरफ क्यू इंटू ई ही आएगा, और सामने की तरफ ही वेलोसिटी रहेगी, सामने की तरफ ही एक्सलरेशन रहेगा और पार्टिकल लगातार सामने की तरफ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से लगातार चलता जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इस चार्ज पार्टिकल को मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया है, तो जैसे रेस्ट से रिलीज किया इस क्यू चार्ज के पार्टिकल के पास सामने की तरफ एक फोर्स आएगा क्यू इन टू ई, तो सामने की तरफ एक्सलरेशन आएगा क्यू ई अपॉन एम, इस एक्सलरेशन के कारण चार्ज पार्टिकल सामने की तरफ भागेगा, और सामने की तरफ अगर भागेगा और किसी टाइम पर अगर वेलोसिटी मान लीजिए कि सामने की तरफ ऐसे हुई तो वेलोसिटी भी सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो आ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सामने की तरफ क्यू ई रहेगा, इसलिए आपका एक्सलरेशन तो क्यू ई अपॉन एम ही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि पार्टिकल का जो मोशन है इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक, एंड हां लिख सकते हो मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक, और तो और आप ये कह सकते हो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यही नहीं, मैं आपसे पूछूं कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलो सिर्फ किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ये सारे के सारे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए आप कह सकते हो दैट इज आई कैप। मैं आपसे पूछूं किसी भी टाइम पर पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सिर्फ x कोऑर्डिनेट में आएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर आई कैप, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आपके जीरो होंगे, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही आपका आएगा। फेयर इनफ, ये वाला केस सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं एक दूसरा केस और बता रहा हूं, ये बड़ा केस वन था, इसको केस वन लिख लेना इस तरह से। अब मैं केस टू बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बड़ा नया डायग्राम बनाना, मैं दूसरे डायग्राम से काम चला रहा हूँ। दूसरे केस में मैंने इस चार्ज पार्टिकल को सामने की तरफ वेलोसिटी यू दे दी, अब बताओ क्या होगा।
वेलोसिटी अगर सामने की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सामने की तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है, यूनिफॉर्म है, तो क्यू चार्ज के पार्टिकल पर सामने की तरफ यूनिफॉर्म फोर्स आएगा क्यू इन टू ई, तो एक्सलरेशन आएगा क्यू ई अपॉन एम। और अगर एक्सलरेशन क्यू ई अपॉन एम आएगा और अगर वो कॉन्स्टेंट है तो आप कह सकते हो कि ऐसे केस के अंदर पार्टिकल के लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी सामने की तरफ, एक्सलरेशन भी सामने की तरफ, लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जो भी वेलोसिटी होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा ही आपका जीरो ही आएगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर आपका जीरो आएगा तो आप कह सकते हो कि है ना मोशन तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है सामने की तरफ। और ऐसे केस में अगेन आप कह सकते हो कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। कोई मुझसे पूछ ले कि सर पोजीशन क्या होगी, तो हम कहेंगे पोजीशन विल बी एक्स आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। और किसी भी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कह सकते हो दैट इज यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन दैट इज क्यू ई अपॉन एम इन टू टी का स्क्वायर आई कैप, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। आई होप बड़ा समझ गए इस बात को, आसान सी बात थी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट अपन ने इसको किया नहीं, आसान सी बात है। आगे चले थर्ड केस, आराम से सुनेगा बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थर्ड केस में हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी मैंने पीछे की तरफ। अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, और वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यू। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 180, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, थीटा कीजिएगा 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, चार्ज है पॉजिटिव, तो फोर्स इस तरफ क्यू ई, तो एक्सलरेशन इस तरफ क्यू ई अपॉन एम। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सलरेशन इस तरफ है, तो लगातार वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, वहां से पलट कर वापस आएगा, फिर लगातार इस तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो लगातार वेलोसिटी इस तरफ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सो अगेन आई कुड से कि मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है तो मोशन इज ऑफ कोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है और सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो वो फोर्स भी यूनिफॉर्म है, वो फोर्स यूनिफॉर्म है, तो अगेन हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है। लेकिन इस बार हमें पता है कि ये विदाउट टर्निंग बैक नहीं है, बल्कि इस बार ये विथ टर्निंग बैक। कब टर्न हुआ है, कहाँ टर्न हुआ है, ये हम लोग पहले से काइनेमेटिक्स वगैरह से भी सीख चुके हैं, ये कोई नई बात हमारे लिए है नहीं। बट फिर भी कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर किसी टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी, आई कुड से कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू आई कैप प्लस एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम इन टू टी आई कैप। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो हम जानते हैं कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट है। हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ये लीजिए किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजिशन नहीं है। अगेन द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बस इस बार टर्निंग बैक है। दिस वॉज अवर केस थ्री। सोचो आपके केस वन, केस टू, केस थ्री थे, ये तो सारे के सारे एक जैसे से ही थे और आसान इसलिए हो गए थे क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की वो और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो पैरेलली आ गई थी, और अगर दोनों ही पैरेलल आ गए तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो आपका जीरो ही आ गया। अब जब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचा तो उसमें तो हम कभी ऐसी खास चिंता करते भी नहीं है, उसके कारण तो मोशन बड़ा आसान होता ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज केस नंबर फोर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन ठीक है, हम सारी बातें जानते हैं समझते हैं सब कर लेंगे अपन। सुनिए बच्चों, आपके पास ये वाई एक्सिस
ये एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स ये वाई बाहर की तरफ आपकी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस, यहां कहीं कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज क्यू है, मास एम है, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है और एक्स एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक जैसे सी है हर जगह, एक जैसे सी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। इस चार्ज पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दी है इनिशियली वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज यू इनिशियली। अब मुझे ना सब कुछ पता करना है, कब कहां जाएगा, कब कितनी वेलोसिटी होगी, कब कितनी स्पीड होगी, जो कुछ पॉसिबल हो हमें हर चीज निकालनी है इसकी, जितना पॉसिबल हो हमें हर काम करना है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। काम को बेटा बांट लेते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही लगेगा, ये बात तय है ना। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट विल एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ये तो तय हो गया। आगे चलो मैग्नेटिक फोर्स की और बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फोर्सेस तो वाई जेड प्लेन में ही लगेंगे। इट मीन्स दैट कि मैग्नेटिक फोर्सेस विल एक्ट इन वाई जेड प्लेन। तो हमें थोड़ा क्लियर हो गया कि इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड गवर्न करेंगे, और वाई जेड प्लेन में जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस गवर्न करेंगे। इस बात का मैं हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है, ये आइडिया काम आएगा हमारे, ठीक है। तो चलिए पहले आसान वाला निपटा लेते हैं, एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा वो देख लेंगे। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स एक्सिस के अलोंग तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस में ही इंटरेस्ट है मुझे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ ई है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और अगर उसमें कोई क्यू चार्ज है तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स आएगा एंड दैट फोर्स विल बी क्यू इन टू ई। आई कुड ईजीली से कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज क्यू इन टू ई, सो आई कुड ईजीली से कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑफ कोर्स क्यू ई अपॉन एम। इफ समवन आस्क्स मी कि सर व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो जीरो थी। सर ये यू, बड़ा ये यू तो वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। हम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ भी लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू, ऐसे ये सारे फॉर्मूले हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि सर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पर पार्टिकल कहीं भी पहुंच गया, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो हम एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को लिख सकते हैं रूट ऑफ टू टाइम्स क्यू ई एक्स अपॉन। फेयर एनफ। तो हमने काफी हद तक बता दिया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो काफी हद तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फेयर इनफ। तो ये तो हो गया बेटा, चलो हमने एक्स एक्सिस वाला काम तो कर दिया। अब हम एक बार वाई और जेड कोड देख लेते हैं। वाई जेड प्लेन में क्या होगा वो देख लेते हैं। मुझे उसको मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए मेरे को बहुत सारी। चलिए बेटा, वाई जेड प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई रोल नहीं है। वाई जेड प्लेन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही फोर्सेस लगेंगे। इसका मतलब वाई जेड प्लेन के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, और वाई जेड प्लेन में सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्सेस हैं तो इतनी बात तय है कि वाई जेड प्लेन के अंदर स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्पीड चेंज करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होती है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो उसका फोर्स वाई जेड प्लेन में होगा, और वाई जेड प्लेन में सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्सेस ही लग रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं, स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहेगी। देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए बेटा वाई जेड प्लेन में देखते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भूल जाओ, इसका इफेक्ट हम कंसिडर कर चुके हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस देखो। आप बोलोगे सर वेरी इजी, वेलोसिटी इज लाइक दिस अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, सो इट मीन्स दैट मोशन शुड बी सर्कुलर एंड मोर स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस वेडियस सर सब मुझे याद है, बिल्कुल। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी की तरफ हाथ ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ कर्ल कर दो, अंगूठा आएगा मेरी तरफ, मेरी तरफ मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स लगेगा नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो पक्की बात है कि एक्सलरेशन भी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब सर्कल का सेंटर भी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। वेलोसिटी ऐसे है, सेंटर इस तरफ है, आई थिंक द मोशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आप बोलोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है सर मुझे थोड़ा बहुत, तो वाई जेड के अलोंग जो मोशन होगा वो इस तरह से सर्कुलर होगा, और उसके लिए जो एक्स एक्सिस थी आपकी, ये जो पेन है, ये जो एक्स एक्सिस है, इट इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट, इट इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट। सो आई कुड इजीली से कि आई कुड इजीली से कि अगर ये वाई एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर सारी की सारी स्पीड जो थी वो वाई एक्सिस के अलोंग है यू, ये कहानी है टी इज इक्वल्स टू जीरो पर। सेंटर जो होगा पॉजिटिव जेड पे नहीं, वो नेगेटिव जेड पे यहां कहीं आएगा, और इसको सेंटर मानते हुए ये जो पार्टिकल था इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस, इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस। लेट्स से इट्स रेडियस इज आर, रेडियस निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वी नो दैट कि मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 90 डिग्री, सो दिस इज द फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज क्यू यू बी, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी क्यू यू बी एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलरेशन, वी नो दैट द मोशन इज गोइंग टू बी सर्कुलर, सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू एम वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, एज वी ऑलरेडी नो दैट द रेडियस विल बी ऑफकोर्स एम यू अपॉन क्यू बी। इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले से याद था। और तो और कोई मुझसे पूछ ले कि सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वी नो दैट कि एंगुलर वेलोसिटी इज यू बाई आर, सो आई थिंक दैट कम्स आउट बी क्यू बी अपॉन एम, अगेन मेरे बच्चे बोले सर ओमेगा भी पहले से याद था। तो वाई जेड प्लेन के अंदर आपका जो मोशन है वो एक्चुअली यूसीएम है,
तो वाई जेड प्लेन में जो मोशन है वो आपका यूसीएम है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन है। वाई जेड प्लेन में रेडियस क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, वो सब हम लोगों को पहले से याद था, हमने फिर से निकाल लिया। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा टाइम पीरियड। किसी भी टाइम पर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मान लेते हैं कि चलते चलते यहां आ गया। ये एंगल लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, दैट विल बी ओमेगा इनटू टी। टी इक्वल टू जीरो पर था तो टी टाइम पर यहां पहुंच गया। जब यह पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा इस टाइम पर भी इसकी जो स्पीड होगी वो यू ही रहेगी, और एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो चाहे आप इसे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख दें या फिर यू स्क्वायर बाई आर लिख दें, एक ही बात है। एंगल वगैरह वापस दिखाना चाहो दिखा सकते, देखना अगर ये एंगल ओमेगा टी तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, ये वाला वापस से ओमेगा टी, और अगर ये वाला एंगल ओमेगा टी, ये वाला 90 माइनस ओमेगा टी, ये वाला एंगल आपके पास वापस से ओमेगा इनटू टी। चलिए बच्चों, हमने काफी सारा काम कर लिया। वाई जेड प्लेन के अंदर जो मोशन का प्रोजेक्शन है इट इज समथिंग लाइक दिस। चलिए बच्चों, इधर y के बारे में सारी बातें लिखते हैं, इधर z के बारे में सारी बातें लिखते हैं। किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये रेडियस r है तो ये r cos ओमेगा t, ये मेरे ख्याल से r sin ओमेगा t, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, दैट इज r sin ओमेगा t। यू कुड इजीली से कि y कोऑर्डिनेट विल बी r sin ओमेगा t। बस आप ये ज़रूर कह सकते हो कि सर ना आंसर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, सर आर दिया थोड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, हमने आर निकाल लिया था, आई थिंक एम यू अपॉन क्यू बी जो आया था वो हमारे पास क्यू बी अपॉन एम आया था, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। सर क्या मैं जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल बेटा क्यों नहीं निकाल सकते। किसी भी टाइम पर अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो जेड कोऑर्डिनेट विल बी दिस, अगर ये आर है तो ये आर कॉस ओमेगा टी है, ये पूरा r है तो ये r माइनस आर कॉस ओमेगा t है, तो z कोऑर्डिनेट आप कहोगे सर r माइनस आर कॉस ओमेगा t। यहां से तक r था, ये r कॉस ओमेगा t, तो ये ऑफकोर्स r माइनस आर कॉस ओमेगा t, ये आपका z कोऑर्डिनेट है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर आपने गलत किया, सर z तो उधर है, इधर तो नेगेटिव z है, तो सर z कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो चलो इतनी जिद करते हो तो माइनस लगा देता हूँ, फिर भी आप कहोगे सर इन टर्म्स में आंसर मत छोड़िए, सर आर को वापस से आप एम यू अपॉन क्यू बी लिख दीजिए। बड़ा लिख देता हूँ, वन माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इज आई थिंक क्यू बी अपॉन एम इनटू टी, ये जेड कोऑर्डिनेट। अगर कोई मुझसे पूछ ले सर किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो आई विल से पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्स आई कैप जो मैंने निकाल रखा था प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स कोऑर्डिनेट याद होता ना, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस के कैप, फेयर एनफ। कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन एट एनी टाइम टी, मेरे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, बट मैं डिफरेंशिएट करता हूँ पहले भी सिखा चुका हूँ इसे मेरा मन नहीं है। एक दूसरा रास्ता ये है कि तुम जानते हो कि वेलोसिटी u है, इस u के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर u cos ओमेगा t, इधर u sin ओमेगा t, मुझे चाहिए u cos ओमेगा t। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स u cos ओमेगा t, ओमेगा को चाहो तो आप वापस से qb अपॉन m इंटू t लिख सकते हो। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा, चेक करना चाहो चेक कर लो, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशियल कॉस क्यू बी अपॉन एम इन टू टी वैसा का वैसा, फिर चेंज रूल के कारण इसका डिफरेंशिएशन और करूंगा, इसका डिफरेंशियल आएगा क्यू बी अपॉन एम, वो क्यू बी अपॉन एम क्यू बी अपॉन क्या क्या हो गया कैंसिल, ये बच गया। कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन, तो एक रास्ता तो ये है कि वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन इज ऑफकोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड कोऑर्डिनेट, तो जेड कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर लो। और दूसरा तरीका ये है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, y के अलोंग
यू कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव जेड के अलोंग यू साइन ओमेगा टी। तो आप बोल सकते हो कि सर वेलोसिटी आएगी यू साइन ओमेगा टी, बस एक माइनस साइन और लगा दो। माइनस साइन किस बात का? बिकॉज वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट नेगेटिव के अलोंग। आपको ओमेगा ना पसंद हो तो आप ओमेगा को लिख दो। और आप जानते हो कि इसको डिफरेंशिएट करोगे एग्जैक्टली आंसर आपका सेम आएगा। चलिए बच्चों, अगर किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया किसी बच्चे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि सर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, सर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, बट पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर होगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का आई कैप, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमने निकाल रखा है क्यू ई अपॉन एम इन टू टी आई कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट इज यू कॉस QB upon m into t j cap plus velocity along z axis that is minus u sine QB upon m into t j cap। किसी भी टाइम पर आपके पार्टिकल के पास वेलोसिटी ये होगी। सर किसी भी टाइम पर पार्टिकल के पास स्पीड क्या होगी? किसी भी टाइम पर स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हालांकि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग तो बन ही आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो ये यू स्क्वायर। ये स्पीड है किसी भी टाइम पर, इस बार स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है। सर आपने तो कहा था कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करते हैं, इस बार सर स्पीड कैसे चेंज होगी? अरे बेटा स्पीड मैग्नेटिक फोर्स ने थोड़ी चेंज की है, स्पीड चेंज करने की जिम्मेदारी तो किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं तो ई जीरो होता तब तो स्पीड अभी कॉन्स्टेंट ही आती, चाहे टाइम कितना ही वही ई आती आपकी, है कि नहीं? आगे चलिए। नेक्स्ट इज कोई मुझसे पूछ ले कि सर एक्सेलरेशन बताओ वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। तो एक रास्ता तो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज नोन एज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। इसको डिफरेंशिएट कर दो आंसर आ जाएगा। एक रास्ता और है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन है ऐसे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर यू स्क्वायर बाई आर। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये कॉस ओमेगा टी ये साइन ओमेगा टी। वाई के अलोंग क्या आएगा? साइन ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन आएगा u स्क्वायर बाई आर का साइन ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, r को बड़ा वापस से एम यू अपॉन क्यू बी लिख देना और ओमेगा को वापस से क्यू बी अपॉन एम लिख देना। इसको डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा। कोई हमसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस, मैं कहूंगा इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। या तो ऐसे बोल दूं या ऐसे कह दूंगा कि देखो एक्सेलरेशन है यू स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, उसके दो कंपोनेंट ये साइन ओमेगा टी ये कॉस ओमेगा टी। तो आप बोलोगे सर इट शुड बी माइनस यू स्क्वायर बाई आर का कॉस ओमेगा टी। माइनस किस बात का लगाया? बिकॉज एक्सेलरेशन है इस तरफ जेड एक्सिस इस तरफ एक्सेलरेशन। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, तो मैं कहूंगा नेट एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई अपॉन एम आई कैप एक्स एक्सिस वाला This J cap, this K cap, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना, पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखना, पार्टिकल की पोजीशन लिखना, हर चीज हमें बढ़िया तरीके से आ गई है। लेकिन अब आपके मन में आखिरी सवाल शायद ये होगा कि सर कुल मिलाकर रिजल्टेंट मोशन होगा तो कैसा होगा? तो इतना तो शायद आपको नजर आ गया होगा कि वापस से जो हमारा मोशन है वो हेलिकल टाइप ही होगा, लेकिन इस बार एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। देखो मेरी बात सुनना, एक्स एक्सिस के अलोंग लगातार सामने तरफ स्पीड बढ़ रही है और वाई जेड प्लेन में मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हर कैपिटल टी टाइम बाद पार्टिकल एक्स एक्सिस को टच करता है ऐसे। लेकिन अब अगर पार्टिकल के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है तो पहले टी टाइम में अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो अगले टी टाइम में उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले टी टाइम में तो उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उससे अगले टी टाइम में तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोशन तो अब भी हेलिकल है लेकिन
इस बार हेलिक्स का जो पिच है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन लगातार पिच की लेंथ लगातार तो बढ़ती जा रही है। तो आप कह सकते हो कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाई जेड प्लेन में और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। इन दोनों को अगर हम कंपाइल करें तो रिजल्टेंट मोशन विल बी लाइक ऐसे बड़ा लगातार पिच लेंथ लगातार बढ़ती जाएगी। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म पिच लेंथ हेलिकल, नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ है। और तो और बड़ा एक्स एक्सिस जो है जैसे मैंने आपको दिखाया इट इज एक्टिंग लाइक टेंजेंट, इट इज एक्टिंग लाइक टेंजेंट, ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। पहली बार कब टच हुआ एक्स एक्सिस से, 0.0.0 पर, अगली बार टच हुआ है टी टाइम पर, फिर अगली बार टच हुआ है 2t टाइम पर, फिर अगली बार टच हुआ है 3t टाइम पर, अगली बार टच हुआ है 4t टाइम पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां आपका चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। पहली बार एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, अगली बार एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक टाइम पीरियड के अंदर चार्ज पार्टिकल सामने कितना चला जाएगा। आप बोलोगे सर हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर, अच्छी बात है। उससे अगली बार कब टच करेगा तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टू टी का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 2 टाइम्स टी का स्क्वायर। फिर अगली बार कब टच करेगा हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू 3t का स्क्वायर, फिर अगली बार कहां टच करेगा हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू 4t का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे लगातार चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इन अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और निकालना आसान इसलिए था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और सामने तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। एक टाइम पीरियड बाद हाफ ए टी स्क्वायर, फिर हाफ ए टू टी स्क्वायर, फिर हाफ ए थ्री टी स्क्वायर, फिर हाफ ए फोर टी स्क्वायर, फिर हाफ ए फाइव टी स्क्वायर, फिर हाफ ए सिक्स टी स्क्वायर, फिर हाफ ए सेवन टी स्क्वायर। इन पॉइंट्स पर लगातार आपका चार्ज पार्टिकल टच करेगा। समझ गए इस बात को बेटा? इस तरह का हमारा ये केस नंबर 4। आगे चलते बच्चों, एक छोटा सा केस और है, हालांकि छोटा तो नहीं है लेकिन हम उसको जल्दी से निपटा लेंगे। जल्दी से इसलिए निपटा लेंगे क्योंकि ये केस नंबर 4 का ही एक तरह से एक्सटेंशन टाइप ही है, तो बस ये मान के चल लो कि मुझे लिखने में ही समय लगेगा, मुझे बताने में समय नहीं लगेगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ लिखने में ही मेरे को टाइम लगेगा, बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे के सारे बात समझ गए हो। तो केस 5 और देख लो, केस 5 इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ केस 4। तो चलिए बच्चों, केस 5 में ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों यूनिफॉर्म है। चार्ज पार्टिकल है ओरिजिन पे जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और चार्ज पार्टिकल को मैंने शुरुआत में वेलोसिटी यू दी है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है थीटा। अब पिछले सवाल से डिफरेंट हो ही गया, पिछले वाले सवाल में पार्टिकल के पास सारे के सारे वेलोसिटी वाई के लॉन्ग थी, इस बार बेटा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग है और एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं।
समझदार बच्चा जानता है कि हाँ ठीक है बन जाएगा, कोई इतनी दिक्कत है नहीं। मुझे कॉन्सेप्चुअली नई बात नहीं बोलनी है, ये मान के चल लो कि जो हमने लास्ट सवाल में जो काम किया है, जो केस नंबर 4 में काम किया है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उसी की प्रैक्टिस हमें वापस से करनी है। इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ठीक है हम दो चार बातें सीख भी जाएंगे। अगर कोई बच्चे को लगेगा सर रिविजन टाइप, हाँ रिविजन टाइप मान लो तो क्या, चलो करें। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एज यू कैन सी दैट कि इट इज यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एज यू कैन सी दैट इट इज यू साइन थीटा। इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस तरफ लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस तरफ लगाएगी? चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही फोर्स लगाएगी, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाती है अपने परपेंडिकुलर, इट मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी वाई जेड प्लेन के अंदर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने अपने अपने काम को बांट लिया है? एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को गवर्न करना, वेलोसिटी चेंज करना, पोजीशन चेंज करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की है, और वाई जेड प्लेन के अंदर मोशन गवर्न करने की जिम्मेदारी मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फोर्सेस की है। ऐसा मान लें तो चलिए तुम लोग जिद कर रहे हो तो मान लेते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस के जो अलोंग मोशन है, मोशन इज गवर्न बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड है ना कभी भी अपनी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाती, हमेशा अपने डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती, क्योंकि मैं फॉर्मूला याद है कि मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू इन टू वी क्रॉस बी, आई होप यू रिमेंबर दैट। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स दैट इज क्यू इन टू वी। मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यू कुड से कि सर दैट इज ऑफ कोर्स क्यू ई अपॉन एन। मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो आप बोलोगे सर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, आई थिंक द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज यू कॉस थीटा प्लस एक्सेलरेशन इज क्यू ई अपॉन एम इनटू टी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप कहोगे सर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ कोर्स यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम का स्क्वायर। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। हमने एक्स एक्सिस के बारे में सारी बातें लिख दी और हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें हर चीज पता है, हर चीज पता है, हर चीज पता है, और हम कह सकते हैं कि the motion along x-axis is basically uniformly accelerated motion. I'm not saying the resultant motion is like this. I'm saying that कि x-axis के along जो motion है वो तो uniformly accelerated motion है। अच्छी बात है, हमें x-axis का motion सारा का सारा पता है। अब चिंता करते हैं एक बार के लिए हम yz plane में। वाई जेड प्लेन में जिम्मेदारी किसकी बनती थी? मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा और मोशन सर्कुलर कराने की कोशिश करेगा। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग थी और आई थिंक y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, u cos थीटा तो भूल ही गए, तो x के अलोंग थी।
इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी, यू साइन थीटा। अब हम इस बात को जानते हैं कि यू कॉस थीटा के कारण तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि यू कॉस थीटा और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में थे। जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वेलोसिटी के कारण लग रहा है जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कोई बात नहीं, वेलोसिटी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बेटा, वेलोसिटी ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स किधर आएगा, वी क्रॉस बी की तरफ, वी की तरफ हाथ ले जाओ, बी सर ऐसे है वी क्रॉस बी, फोर्स आ गया इस तरफ, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ मोशन का सेंटर, सर्कुलर मोशन का सेंटर, सो द मोशन इज लाइक दिस, द मोशन इज ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वाई जेड प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस टुवर्ड यू, नेगेटिव जेड एक्सिस ऑफ कोर्स टुवर्ड्स मी, एंड द मोशन इज लाइक दिस, दिस इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और किसी फिक्स टाइम के बाद आप देख पा रहे हो कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो बार 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 एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ऐसे। कोई बात नहीं, हमें सब आता है इस बारे में। तो आप कह सकते हो कि पार्टिकल विल मूव लाइक दिस एंड द सेंटर विल बी लाइक दिस, ओमेगा वगैरह की हमें चिंता ही नहीं है, हमें पहले से याद है दैट इज क्यू बी अपॉन एम, रेडियस आप लोग जानते हो एम वी अपॉन क्यू बी, बड़ा वी नहीं यू कॉस थीटा, मुझे वापस से प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है, सॉरी बेटा यू कॉस थीटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली वेलोसिटी कारण सर्कुलर मोशन है, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा तो बट तुम जानते ही हो वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो रेडियस में लिख दो एम वेलोसिटी अपॉन क्यूबी, वेलोसिटी वही लिखें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज यू साइन थीटा, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर ओमेगा, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो दैट इज ऑफकोर्स टू पाई एम अपॉन क्यूबी, ओमेगा और टाइम पीरियड में तुम्हें कभी वेलोसिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा कंपोनेंट है क्या है क्या नहीं है, वो तो हमेशा बड़ा आप जानते हो स्पीड पर डिपेंड करता ही नहीं है। हाँ, रेडियस में आपको हल्के से चिंता करनी पड़ेगी, सर क्या लिखूं, तो बड़ा लिख दो एम वी अपॉन क्यू बी, वी कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, सिर्फ वही, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वी था बेटा उस पर तो जानते हो उसके कारण तो फोर्स आए नहीं है, सीधा लगा दो। आगे की आप कहानी जानते हो, वाई जेड प्लेन के अलोंग पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा किसी भी टाइम पर, ये एंगल चल रहेगा ओमेगा टी, स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड अब भी यू साइन थीटा ही रहेगी, स्पीड हमेशा ही वाई जेड प्लेन के अलोंग यू साइन थीटा ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, एंगल वगैरह आपका लिखने का मन हो तो लिख लो, अगर ये एंगल ओमेगा टी तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, ये वाला एंगल आपका फिर से ओमेगा टी, और ये वाला एंगल आपका फिर से ओमेगा टी। रही बात एक्सलरेशन की, वी नो दैट कि एक्सलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर एंड द एक्सलरेशन इज ऑफ कोर्स ओमेगा स्क्वायर इन टू आर, सब कर देंगे। व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे सर वाई कोऑर्डिनेट विल बी अगर ये रेडियस r है, ये r cos ओमेगा t है, ये r sin ओमेगा t है, y कोऑर्डिनेट इज ऑफ कोर्स r sin ओमेगा t। मुझे और बेटर आंसर लिखना चाहिए बट ठीक है तुम समझ गए हो, r बेटा यहां से उठा के लिख देना, ओमेगा बेटा यहां से उठा के लिख देना। व्हाट इज द z कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t, आप बोलो सर z कोऑर्डिनेट इज ऑफ कोर्स दिस, इफ दिस इज y कोऑर्डिनेट दिस इज योर z कोऑर्डिनेट, if this is r cos omega t, so this is r minus r cos omega t, either positive z axis either negative z axis, so with a negative coordinate that is minus. What is the velocity along y axis, velocity along y axis can be found out two ways, one is just differentiate the y coordinate, kar sakte beta koi dikkat nahi, एक तरीका यह है कि जो भी वेलोसिटी है उसका वाई के अलोंग कंपोनेंट तो यू साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी, तो आप कह सकते हो कि दैट इज यू साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी, कितनी ही बार बेटा मैं आपको बता चुका हूं इसको डिफरेंशिएट करोगे वही आंसर आएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, देयर आर टू वेज,
डिफरेंशिएट द जेड कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट्स योर चॉइस, यू कैन डिफरेंशिएट इट, आएगा आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी वेलोसिटी है उसका जेड एक्सिस का कंपोनेंट, यू साइन थीटा का साइन ओमेगा टी, यू साइन थीटा का साइन ओमेगा टी, तो यू साइन थीटा का साइन ओमेगा टी, लेकिन तो इस तरफ है जेड कोऑर्डिनेट, इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ तो विथ ए माइनस साइन। कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, आई हैव टू वेज, वन इज डिफरेंशिएट द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, अनदर वे आई कुड से कि द वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स वाई जेड प्लेन में ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ये वाला कंपोनेंट कॉस ओमेगा टी, ये वाला कंपोनेंट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर का साइन ओमेगा टी है माइनस साइन। बढ़िया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस, आप कह सकते हो कि सर एक तो ये है कि आपने जो भी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस निकाली इसको डिफरेंशिएट कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि इस ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस ओमेगा टी, लेकिन फिर याद आया कि ये तो नेगेटिव जेड के अलोंग है तो माइनस लगा दो। बेटा आंसर्स वो क्यू बी और एम में लिखना चाहो तो कन्वर्ट कर लेना, बाकी मैंने मोस्टली काम कर दिया, रिपीटेटिव था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, चलेगा ना इतना तो, बाकी तुम प्रॉपर और लिखना चाहो बेटा लिख देना, यहाँ पर ओमेगा की जगह क्यू बी अपॉन एम लिख देना, ठीक है बेटा, यहाँ पर आर को एम यू साइन थीटा अपॉन क्यू बी लिख देना, ओमेगा को क्यू बी अपॉन एम लिख देना, ऐसे ऐसे लिख देना, तो सारा का सारा आंसर बढ़िया आ जाएगा। अब कोई हमसे पूछ ले कि किसी भी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो बोल देना कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस जो निकाली थी उसका आई कैप, इसका जे कैप, इसका के कैप। कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एट एनी टाइम पी, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस जो निकाली थी उसका आई कैप, दिस जे कैप, दिस के कैप, हमें हर टाइम पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब पता है, सब पता है, सारी बात पता है, बिल्कुल परफेक्टली पता है, और मोशन कैसा होगा उसका आपको आइडिया है ही कि हाँ भाई हर बराबर बराबर टाइम में ये एक्स एक्सिस को यू टच कर रही है, लेकिन पहली बार में एक्स एक्सिस के अलोंग कम डिस्टेंस चलेगी, फिर अगली बार और ज़्यादा चलेगी, फिर अगली बार और ज़्यादा चलेगी, फिर अगली बार और ज़्यादा चलेगी, तो पक्की बात है कि इस बार मोशन हेलिकल तो होगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल होगा, नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल ही होगा, और तो और एक्स एक्सिस को बार बार टच करेगी, कहां कहां टच करेगी, एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो, और एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, एक्स के बारे में आप कह सकते हो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज क्यू ई अपॉन एम इंटू टाइम का स्क्वायर। कहां कहां टच करेगी, तो आप बोल सकते हो कि सर जहां जहां एक्स एक्सिस को यह चार्ज पार्टिकल टच करेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, और टी को मैंने क्या लिख दिया, एक बार दो जीरो लिख दिया शुरुआत में जीरो, एक बार टी कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, फिर अगली बार टू टाइम्स टाइम पीरियड, फिर अगली बार थ्री टाइम्स टाइम पीरियड, फिर अगली बार फोर टाइम्स टाइम पीरियड, फिर अगली बार फाइव टाइम्स टाइम पीरियड, फिर अगली बार सिक्स टाइम्स टाइम पीरियड एंड सो ऑन। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है बच्चों, इतना भारी काम भी नहीं था। चलिए बेटा आगे चलते हैं, बेटा होमवर्क में जो हमारी ईएमएफ की शीट है उसका जो एसेंशियल पार्ट है उसके एक्सरसाइज वन के पार्ट वन में टिल सेक्शन एच, एच तक के सारे सेक्शन के सारे सवाल कर लेना,
इसी तरह से एक्सरसाइज वन के पार्ट टू में टिल सेक्शन एफ कर लेना, टिल सेक्शन एफ कर लेना, एक्सरसाइज टू के पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव कर लेना, सॉरी सिक्स भी कर लेना। इसके बाद में पार्ट फोर में, एक्सरसाइज टू के पार्ट फोर में एक मैच द कॉलम है, कर लेना उसको। ठीक है, एक बार इतना ही है।